छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले नगर पालिका निगम भिलाई में अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि दो सूत्री मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। दो सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रही। नगर निगम मुख्यालय के समीप हो रही हड़ताल में चौथे दिन सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारी नेताओं द्वारा हड़ताल के दौरान हड़तालियों को लगातार संबोधित किया जाता रहा। वहीं कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर अडिग दिखे। फेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में हड़ताल को मांगें पूरी नहीं होने तक जारी रखे जाने की जानकारी कर्मचारी नेताओं ने दी है। हड़ताल को नगर निगम की आवश्यक सेवाओं से मुक्त रखा गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर कर्मचारी नेता संजय शर्मा और रामवृक्ष यादव ने जानकारी दी। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर ये चतुर्थ दिन है। आज चौथे चरण का आज चौथा दिन है। चौथा चरण 22 अगस्त से चालू हुआ और आज जो है 25 अगस्त से 22, 23, 24, 25 आज गुरुवार को चतुर्थ दिन का चौथे चरण का चतुर्थ दिन है। फेडरेशन के आह्वान पे लगातार हम लोग 4 महीने से आंदोलनरत हैं और कल 5वां दिन रहेगा। उसके शनिवार रविवार को भी 27 और 28 तारीख को भी हम लोग यहाँ बैठेंगे, क्योंकि आंदोलन बीच में ब्रेक नहीं होता है। अपनी मांगों को लेकर शांतिप्रिय ढंग से आवश्यक कार्य चालू हैं और हम लोग यहाँ पे और पूरे जिला मुख्यालयों में हर जगह लोग बैठे हुए हैं पूरे प्रदेश में। अच्छा, ये है कि इस मतलब महासंघ और ये जो फेडरेशन के माध्यम से 93 यूनियन जुड़ी हुई है हमारे साथ, उसका लाभ ये हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने 6% मतलब इस संघ की और फेडरेशन की ताकत को देखते हुए 6% उन्होंने हमें पहले दे दिया है और रह गई ये लड़ाई 6%, 34% अन्य राज्यों को दिया जा रहा है और हमें 22% मिल रहा था और 6% जो है वो मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा कर दी है, उसका लेटर भी जारी कर दिया है। 28% हमको मिल गया है, मात्र 6% की लड़ाई और बची। बहरहाल नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के हड़ताल पर होने की वजह से नगर निगम का कामकाज प्रभावित हो रहा है। हड़ताल की जानकारी से अनजान नगर निगम आए लोगों को वापस लौटने विवश होना पड़ रहा है। इनकी मांगें कब तक पूरी हो पाती हैं, इसका शहरवासियों को इंतजार है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।